का चेंची किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था जिसे मैंने गैस पे रख दिया है। इसकी हम पहले रबड़ी बनाएंगे, इसलिए मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है कि जिससे जब ये दूध हमारा आधा हो जाएगा रबड़ी की तरह तब इसमें हम सामान डालेंगे अपना। और साथ में ही लिया मैंने काजू, बादाम, इलायची, केसर, पिस्ता और 1 कटोरी लिया चीनी और 1 ग्लास लिया है पानी और तलने के लिए लिया है रिफाइंड ऑयल और 1 पैकेट लिया है ब्रेड का जिसमें से हम काटेंगे जिस ब्रेड के कोनों को। मैंने दूध को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया अपनी रबड़ी बनने के लिए और इस तरफ मैंने एक पैन रख लिया है जिसमें हम अपनी चाशनी बनाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ पानी 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा और साथ में ही ऐड कर देंगे हम अपनी इसमें आधी चीनी और 1 इलायची को हम इसमें डाल देंगे जिसमें हमारी जो चाशनी है इसमें अच्छी महक आ जाएगी। इस तरीके से और इसे हम हिला देंगे। हम इसमें चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है अपने शाही टुकड़े पर डालने के लिए। हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है इसमें पर इसे अभी हमें और गाढ़ा करना है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने और साथ में मैंने जो अपनी ब्रेड है उसकी साइडों को हटा के उसे कुछ इस शेप की और कुछ ट्रायंगल शेप की काट ली है फ्राई करने के लिए। साथ में मैं अपने जो मैंने काजू लिए हैं इनको थोड़े से गार्निश के लिए छोड़ के बाकी मैं मिक्सी में पीस लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं और मैं पीस के फिर इसे रबड़ी में डालूँगी। और साथ में मैं इलायची भी पीस लूँगी और इन तीनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी इनका। मैंने इस तरीके से इसको देख सकते हैं आप इस तरीके से पीस लिया है। इससे बच्चे ये खा भी लेते हैं और निकाल के फेंकेंगे भी नहीं और ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट भी हो जाएगा हमारी रबड़ी में। अब हम अपनी चाशनी में थोड़े से केसर के ये पत्ते ऐड कर देंगे कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और थोड़े से पत्ते हम अपनी रबड़ी में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे दूध में भी भिगो के रख सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही डाल दे रही हूँ क्योंकि रबड़ी बनने में टाइम लगेगा तो जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। इसमें हमारी चाशनी बनके तैयार है। इसको अब मैं दूसरी गैस पर तोड़ लूँगी और इस गैस पर हम अपना रिफाइंड लगा देंगे ब्रेड को तलने के लिए। हम अपने रबड़ी में अपने ड्राई फ्रूट जो हमने पीसे थे ये भी ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे इसमें थोड़ी सी चीनी जिससे हमारी रबड़ी में मिठास आ जाए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और रबड़ी को हम जब तक पकाएंगे जब तक हमारी रबड़ी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। और यहाँ पर हमने अपना तेल रख दिया है ब्रेड को फ्राई करने के लिए अपनी। अब हम एक छोटा सा पीस डाल के देख लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है, हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके अपने ब्रेड स्लाइस छोड़ेंगे। आप चाहें तो इसे देसी घी में ही बना सकते हैं, मैं रिफाइंड में बना रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे हम गोल्डन होने तक। हम एक बार अपनी ब्रेड चेक कर लेते हैं पलट के, ये फ्राई होने लगी है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आने लगा एक साइड से। इसे पलट देंगे हम और दूसरी साइड से भी हम इसे ऐसे ही सेक लेंगे, कुछ इस तरीके से कलर आना चाहिए इसका। हमारी ब्रेड सीख चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे कुछ देर के लिए हम इस तरीके से करेंगे जिसके से एक्स्ट्रा जो ऑयल है निकल जाए, या आप टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं। हमने अपने बाकी बची हुई आप देख सकते हैं इस तरीके से सेक ली है और ये बाकी बची हुई हम सेक रहे हैं, इनको भी इसी तरीके से सेक लेंगे हम। हमारी रबड़ी भी बनके लगभग तैयार है आप देख सकते हैं। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और रबड़ी को थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ये आधी रह गई हमारे 1 किलो दूध में से जो मैंने 1 किलो दूध रखा था। और यहाँ पर मेरी सारी जो मैंने ब्रेड है
वो भी सेक लें कुछ इस तरीके, फिर इसको मैं सजा के फिर आपको दिखाती हूँ। हमने अपनी चाशनी को हल्का सा गर्म कर लिया है ब्रेड पर डालने के लिए, इसी ये हल्की गर्म हो गई, इसे बंद कर देते हैं। और हमारी रबड़ी भी आप देख सकते हैं बन के बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमने थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करी है, क्योंकि रबड़ी जो ब्रेड है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो पी नहीं पाती, इसलिए कुछ इस तरीके से करिए। और हमारी जो ब्रेड है वो भी हमारी सिक के तैयार है, अब इनको हम सजाएंगे। हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, अब इस पर हम डालेंगे पहले अपनी चाशनी, इसको ब्रेड पे हल्का हल्का डाल देंगे। साथ में डालेंगे अपनी रबड़ी, इसके ऊपर हम एक प्लेट और करेंगे इसी तरीके से, और इस पर भी अपनी चाशनी हम इसमें उस तरीके से डाल देंगे। गार्निश कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट से जो हमने काट के रखे हैं। हमारा शाही टुकड़ा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।